गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अध्याय 7 में जो जो एनिमेलिया वर्ग है, एनिमेलिया जो जगत है उसके जो फाइलम है, संघ है, उनके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं। तो आज तीसरा फाइलम लेते हैं, तीसरा संघ लेते हैं, प्लेक्टी हेलमेंथीज। नाम इसका प्लेक्टी हेलमेंथीज। प्लेक्टी का मतलब चपटे, प्लेट की तरह चपटे, प्लेक्टी हेलमेंथीज। यानी इस संघ के जो जंतु होते हैं वो एक पौधे की पत्ती की तरह चपटे हो सकते हैं, जैसे पौधे की पत्ती चपटी होती है इस तरह होते हैं। इस संघ के जंतुओं का शरीर द्विपाद समेत, द्विपाद समेत का मतलब होता है कि अगर हम इन शब्दों को ध्यान में देंगे इनका क्या अर्थ निकलता है। द्विपाद समेत का मतलब होता है अगर हम दो बराबर के भाग करें तो दो बराबर के भाग उसके हो जाएंगे। जैसे अपना अगर दो बराबर के भाग करें, अगर ऐसे करेंगे इस तरह से तो अपने दो बिल्कुल बराबर से भाग नहीं हो सकते, यानी आगे की तरफ नाक अनुवाद है तो पीछे की तरफ नहीं रहेंगे। और अगर ऐसे करें तो ऊपर की तरफ हाथ आगे नीचे पैर आगे, तो अपने शरीर के दो बराबर भाग नहीं कर सकते। अगर अपन यों काटते हैं इस तरह यों तो आधा भाग बिल्कुल इधर और आधा इधर, बिल्कुल दो बराबर हिस्से हमारे शरीर के हो सकते हैं। तो ऐसे शरीर की ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं द्विपाद सममिति। तो ये जो जीव होते हैं ये कैसे होते हैं? द्विपाद सममित। त्रिकोण की इसको भी समझो, त्रिकोण का मतलब होता है कि शरीर तीन स्तर का बना होता है, शरीर तीन परतों का बना होता है या तीन स्तर का बना होता है। और इन जंतुओं में वास्तु के द्वारा नहीं पाई जाती, जैसे कि अपने शरीर में दो देहगुहा पाई जाती है, एक ऊपर की तरफ होती है पसलियों के नीचे, उसको वक्ष गुहा बोलते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया था इसमें हमारे हृदय और फेफड़े अंग सुरक्षित रहते हैं। नीचे की गुहा को बोलते हैं उदर गुहा, इसको जिसको हम पेट बोलते हैं। उदर गुहा में जैसे मान लीजिए हमारा आमाशय स्थित होता है, आंतें स्थित होती हैं। इस तरह से इन जंतुओं में कोई देहगुहा नहीं पाई जाती और वास्तविक देहगुहा नहीं होती है, आवासीय देहगुहा छोटी मोटी हो सकती है। इन जीवों का शरीर चपटा होता रहता है, इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। उदाहरण प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया, और लिवर फ्लू, ये लिवर फ्लू, ये प्लेक्टी हेलमेंथीज एक प्रकार के ये चपटे कृमि हैं, बिल्कुल कागज या पत्ती की तरह से चपटे होते हैं, इसलिए इनको चपटे कृमि भी कह देते हैं। चौथा संघ आता है नेमेटोडा, और नेमेटोडा इन जंतुओं का शरीर वही द्विपाद सममित काटे के दो बराबर भाग कर सकते हैं। त्रिकोण की अर्थात तीन परतों वाला तथा बेलनाकार होता है। ये देखिए ये आकृति बेलनाकार है इस तरह की, तो इस तरह की आकृति को ये पैन बेलनाकार है, इन आकृतियों को बेलनाकार आकृतियां बोलते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? बेलनाकार। इन जीवों में भी वास्तविक देहगुहा नहीं पाई जाती है, आभासी देहगुहा पाई जाती है, उसको बोलते हैं आभासी। इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। और उदाहरण लेंगे एस्केरिस, ये दो एस्केरिस दिखा रखे हैं, ये नर है ये मादा है, मादा थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, नर थोड़ा सा कम लंबा होता है। इस तरह से ये नेमेटोडा, यानी इस नेमेटोडा जो संघ है उसके ये दो जीव दिखा रखे हैं, एस्केरिस नर और मादा। उसके बाद तीसरा पांचों संघ लेते हैं एनेलिडा। इस संघ के जंतु वही द्विपाद सममित काटने पर दो भाग बराबर भाग कर सकते हैं, त्रिकोण की यानी तीन परतों वाले होते हैं। इनमें वास्तु देहगुहा पाई जाती है, यानी देहगुहा की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। इन जंतुओं के शरीर में समयन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये तंत्र है, ये समयन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा तंत्रिक तंत्र पाए जाते हैं। ये जंतु जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, ये वन जंतु। और उदाहरण के केचुआ, नेरिस आदि, ये तो नेरिस का चित्र है और ये केचुआ का चित्र है। इस केचुआ को आप भी जानते हैं, ये किसान का मित्र कहलाता है और गीली मिट्टी में, नम मिट्टी में ज्यादा पाया जाता है ये, और मिट्टी खाकर ही अपना भोजन की पूर्ति करता है, बदले में ये खाद बनाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जिस खेत की मिट्टी में जितने केचुआ ज्यादा होंगे
उतनी उस खेत की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगी। अतः इसको हम किसान का मित्र भी कह देते हैं, यानी खाद बनाने का कार्य करता है। यानी पांच इंच के लगभग ये इसकी लंबाई होती है, बेल लगा होता है, एक लाल से रंग का कीड़ा होता है, गीली मिट्टी पाया जाता है। केचुआ और नेरिस इस एनेलिडा संघ के जंतु हैं। अब इससे बाद में अगला संघ लेते हैं आर्थ्रोपोडा, जो कि सबसे बड़ा संघ है, उसको लेते हैं। अब अगला संघ लेते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जोरदार, पोडा का मतलब होता है पैर, अर्थात इस संघ के जंतु जोरदार टांगों वाले होते हैं, जोरदार टांगें होती इसमें। और इन जंतुओं का सबसे बड़ा, यह जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। अगर हम उदाहरण देख रहे हैं अपने आसपास, तो हजारों की संख्या में इसके उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे बिच्छू है, कानघरूड़ा है, तितली है, मक्खी, मच्छर, खटमल, दीमक, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी और जुएं, ये जितने भी इनमें सब में आपने देखा होगा कि जोरदार टांगें पाई जाती हैं और टांगें कई जोड़ी होती हैं, जोरदार टांगें। तो इस तरह से ये जितने भी जैसे कीट पतंगे आते हैं बरसात के मौसम में बल्ब के प्रकाशित बल्ब के आसपास या जो प्रकाश जहाँ हो रहा होता है वहाँ पर इतने सारे कीट पतंगे आ जाते हैं, सभी इसी वर्ग के हैं, सभी इसी संघ के हैं। इस प्रकार से ये जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। पहचान क्या है, इसमें जोरदार टांगें पाई जाती हैं। और अगली बात आती है, इन जंतुओं का शरीर खंडयुक्त होता है, इसमें कई खंड होते हैं शरीर में, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका मतलब रक्त को बहने के लिए नलिकाएं नहीं होती हैं, इनके देह द्वार रक्त से भरी होती है, रक्तवाहिनियां नहीं पाई जाती, यानी खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारा तो बंद प्रकार का है, जिसमें रक्त नलिकाओं के अंदर बहता रहता है, पूरे शरीर में बड़ी छोटी सब तरह की नलिकाएं होती हैं। और इनका जो शरीर है उसके अंदर जो देह गुहा होती है उसी में रक्त भरा होता है और पदार्थों का संवहन कर देता है, बाकी रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती, अर्थात रक्त नलिकाओं में नहीं बहता है। इसको हम कहेंगे खुली प्रकार का परिसंचरण तंत्र। और हमारे शरीर में या हमारे आसपास जितने विकसित जीव जंतु दिखते हैं उन सभी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली आदि, इन सभी में बंद प्रकार का पाया जाता है। केवल निम्न श्रेणी के जंतुओं में खुली प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यह निम्न श्रेणी के जंतुओं में आता है। और जैसे झींगा मछली, एक तरह की झींगा मछली, मक्खी, तितली, मकड़ी, सतपाल यानी जिसको बोलते हैं कंखजूरा, बिच्छू आदि, गिजाई आदि, सब इसी में पाए जाते हैं, जोरदार टांगें होती हैं इनमें। दूसरा सातवां लेते हैं संघ है मोलस्का। इस संघ के जंतुओं में देह गुहा कम पाई जाती है और अधिकांश जंतुओं में बाह्य कवच यानी बाह्य कंकाल पाया जाता है और इनमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है। उदाहरण के लिए घोंघा, और जिसको हम शंख बोल देते हैं, ये जो मंदिर के अंदर शंख बजाते हैं उसके अंदर जंतु मौजूद होता है समुद्रों में, और जब वह जंतु मर जाता है तो इसका जो बाह्य खोल होता है, बाह्य कंकाल, वो समुद्र के किनारे आ जाता है, जिसको आप शंख के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया घोंघा, सीपी, सीप और काइटन, ये काइटन का चित्र दिखा रखा, और ये ऑक्टोपस, ऑक्टो मीन्स आठ पश्चियानी भुजाएं या पैर कह सकते हैं इसको, आठ भुजाएं होती है इसमें, इसलिए इसका ऑक्टोपस कहते हैं। और नौवा आता है, आठवा जो संघ वो है इकाई नोडर मेटा। इन जंतुओं की त्वचा कांटे द्वारा आच्छादित होती है, यानी पूरे शरीर में कांटे पाए जाते हैं, छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। और जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो इन्हें चलने में सहायता प्रदान करता है। जैसे स्टारफिश, जिसको हम तारा मछली के नाम से जानते हैं, उसके शरीर में भी बहुत सारे कांटे होते हैं। और समुद्री खीरा, एक तो खीरा की बेल होती है खीरे की, जिसको हम भोजन के रूप में खाते हैं, वनस्पति एक तो,
ये जंतु है जिसको हम समुद्री खीरा के नाम से जानते हैं, इसके शरीर पर भी कांटे पाए जाते हैं। किस तरह से ये हो गए मतलब आठवां जो संघ है डायनोडेटा और एक नौवां संघ हम लेते हैं प्रोटोकार्डेटा। इसके अगला संघ लेते हैं प्रोटोकार्डेटा नंबर नौ, प्रोटोकार्डेटा। और ये जंतु भी त्रिकोणिक और देहवायुक्त होते हैं, यानी इस संघ के जंतु त्रिकोणिक होते हैं तथा इनके शरीर में वास्तविक देहवा देहवा पाई जाती है। यानी इनमें वास्तविक देहवा पाई जाती है और इनमें नोटोकोड जैसी संज्ञाएं विकसित होने लगती हैं। इस संघ के जंतुओं में नोटोकोड जैसी संज्ञा विकसित होने लगती है। एक रीढ़ी की हड्डी का ये रूप है। अभी तक जो हमने जितने भी संघ पढ़े हैं इससे पहले आठ संघ हमने पढ़ लिए, उन में किसी में भी उन संघों के किसी भी जीवों में रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। उनको हम बिना रीढ़ की हड्डी वाले भी कह सकते हैं, उनको इन जंतुओं को हम नॉन कोऑर्डिनेटा भी कहते हैं। अभी तक जो हमने आठ संघ पढ़े हैं उस सबके जो जंतु हैं वो नॉन कोऑर्डिनेटा हैं, अर्थात उनमें रीढ़ की हड्डियों का विकास नहीं होता है, रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। और इस नौवें जो संघ है इससे रीढ़ की हड्डियों का विकास एक तरह से शुरू हो जाता है। नोटोकोड जो होती है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं उसका विकास होने लग जाता है। नोटोकोड तंत्रिका ऊतक आड़नाल से अलग करती है, नोटोकोड तंत्रिका ऊतक को नोटोकोड तंत्रिका ऊतक को आड़नाल से आहार नाल से अलग करती है, अलग करती है, अलग करती है। यानी नोटोकोड जो होती है वो आहार नाल को और इसको तंत्रिका ऊतक को अलग अलग करती है। जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकोड नहीं पाया जाता। इन जंतुओं की जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकोड नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। यानी सभी अवस्थाओं में नोटोकोड नहीं पाया जाता है, नोटोकोड अब उपस्थित नहीं होता है। जैसे उदाहरण बेलेना ग्लोसस, बेलेना
ग्रोसस, बेलेना ग्रोसस, हार्डमानिया, ये समुद्री जीव हैं और इनमें रीढ़ की हड्डियों का विकास शुरू हो जाता है। बेलेना ग्रोसस और हार्डमानिया, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। हार्डमानिया और बेलेना ग्रोसस, इन दंतों में, इस सन के दंतों में रीढ़ की हड्डी जीवन के किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है, जैसे भ्रूण अवस्था में या उसके पैदा होने के बाद में या किसी और अवस्था में, वयस्क होने की अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है या उसका विकास शुरू हो जाता है। और बाकी उसके बाद में जो जीव आते हैं, अब हम पढ़ेंगे आगे, वो रीढ़ की हड्डी वाले पढ़ेंगे, उनको हम कॉर्डेटा कह सकते हैं और उनको भी आगे पांच भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से यहाँ से प्रोटोकॉर्डेटा से रीढ़ की हड्डी की शुरुआत हो जाती है। अपने शरीर में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यहाँ गर्दन से लेकर के खोपड़ी के नीचे से लेकर के और पीछे पीठ की तरफ इस तरह नीचे तक आ रही है, ये खोपड़ी नाल होती है और इसके अंदर तंत्रिकाओं का एक बंडल सा फिट रहता है, तंत्रिकाएं फिट रहती है जो मस्तिष्क से निकल के आ रही हैं, जिसको हम मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। इसमें इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो आज केवल इतना ही, इससे आगे का कल पढ़ेंगे।